राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संकलन कार्यालय का शुभारंभ, धर्म गुरुओं ने किया मदद का आह्वान। जय श्री राम। अयोध्या में ऐतिहासिक श्री राम मंदिर का निर्माण तेज हो गया है। इस मंदिर के निर्माण में देश के आमजनों और श्रद्धालुओं की भी सहभागिता और मदद हो, इसके लिए आज नई मुंबई में श्री राम मंदिर निर्माण न्यास के निधि संकलन कार्यालय का शुभारंभ किया गया। नेरुल के विश्व ग्रीन प्लान एम बिल्डिंग में स्थापित इस निधि संकलन कार्यालय का उद्घाटन हवन पूजन और श्री राम के जयघोष के बीच संपन्न हुआ। यहां बौद्ध, जैन, सिख धर्मगुरुओं के साथ ही कई संप्रदायों के संतजन उपस्थित थे। संतों एवं धर्मगुरुओं ने निधि संकलन कार्य को ऐतिहासिक उपक्रम बताते हुए कहा कि 500 वर्षों से श्री राम मंदिर संघर्षों में अटका रहा, जिसे अब मुक्ति मिली है। उन्होंने सभी धर्म प्रेमियों से सहयोग देने का आह्वान किया। समग्र भारतवर्ष के एक एक मानवी के लिए ये कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत के दानवीरों यदि चाहे तो एक एक दानवीर पूरा मंदिर बना सकता है, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों के हृदय में ऐसी फीलिंग आए कि ये मंदिर मेरा है, मेरे प्रभु राम के मंदिर में मेरा समर्पण है, ऐसी भावना से आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद और सर्व हिंदू संगठनों के द्वारा ये पूरे भारत में ये आयोजन हुआ है निधि संकलन का, और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक संत समाज के लिए और सभी राम भक्तों के तरफ से मैं आप सबको भी निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने ज़िले में आए कार्यालय के द्वारा ये निधि संकलन के कार्य में जुड़े, फूल नहीं तो फूल की एक पंखुड़ी के माध्यम से, लेकिन हमारे प्रभु राम के लिए हमारा योगदान दे और प्रभु राम के मंदिर को समग्र विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाने के निर्माण में आप सहयोग दे। हृदया हृदयामध्ये आमच्या राम आहे। प्रत्येक हिंदूमध्ये, हिंदूंच्या हृदयामध्ये राम आहे। पूर्ण हिंदुस्थानामध्ये याची एक ओढ लागलेली आहे की राम मंदिर निर्माण व्हावं, आणि ते आता नक्कीच होईल। त्याच्यासाठी निधी संकलनाचं हे कार्यालय आमच्या नवी मुंबईत होत आहे। आम्हाला त्याचा सार्थ अभिमान आहे। आणि हे करीत असताना प्रत्येकाला आम्ही आवाहन करतो, विनंती करतो का आपला कुठे ना कुठे खारीचा वाटा लागावा, आणि या राम जन्मभूमीमध्ये रामाचं मंदिर होत आहे त्यासाठी आपला हातभार लागून याची आपल्या आयुष्यामध्ये काहीतरी चांगलं केल्याचं एक आपल्यामध्ये व्हावं, निर्माण व्हावं म्हणून आम्हाला एक आनंद आहे। प्रत्येकाने त्याचं योगदान द्यावं आणि खारीचा वाटा म्हणून याची एक काय ना काय आपली देणगी द्यावी, अच्छा मैं आह्वान करतो। आर्य समाज के हैं और मेरी गौशाला है कर्जत में, तो वो हमेशा भावना रही है हमारी। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम तो बचपन से ही जो हमारे जितने भी फैमिली है इसी से जुड़ी हुई है, तो हमारे दादा परदादा सब इसी से जुड़े हैं। हम गुरुकुल कांगड़ी के हैं, तो इसीलिए भावना तो हमेशा रहती है, हमेशा रही है। तो हमें भावना बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छा लग रहा, और मैं इसका एक पार्ट हूँ, वही मुझे बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है, मैं यही समझ सकता हूँ। मैं यहाँ पर सभी मातृशक्ति को आह्वान करती हूँ कि सभी मातृशक्ति इसमें जोर शोर से सम्मिलित हो। श्री राम प्रभु हमारे पूरे ही हिंदू समाज के एक आदर्श पुरुष हैं। आज हर घर में हर महिला चाहती है कि उनके घर के पुरुष श्री राम जैसे हो। हम महिला हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पति श्री राम जैसा हो, एक पत्नी एक वचनी। और ऐसे आदर्श अगर हम अपने समाज में लाना चाहते हैं तो ये जो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर होगा, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श रहेगा। और हमारे आने वाले पीढ़ियों को हमारे हिंदू समाज के 500 वर्ष के संघर्ष की एक कथा रहेगी, एक आदर्श रहेगा कि हमने कैसे 500 साल संघर्ष करके हमारा समाज आज इस मंदिर का उद्घाटन करके आज हमारे पूरे देश में हमारे एक स्वाभिमान का ये प्रतीक है। तो मैं सभी मातृशक्ति से आह्वान करती हूँ कि सभी मातृशक्ति, सब दुर्गाएं इसमें अपना पूर्ण सहयोग दें। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो अकेले मंदिर निर्माण करवा सकते हैं, लेकिन श्री राम सबके हैं और यह मंदिर भी सबका है। इस भावना को बल देने निर्माण निधि जमा करने का संकल्प लिया गया है। VHP जिलाध्यक्ष लालजी मलिक एवं संघ के नई मुंबई जिला कार्यवाहक कमलेश पटेल ने कहा कि दानदाता 10 रुपये से लेकर जितना चाहे मदद कर सकते हैं। निधि संकलन अभियान 15 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कार्यकर्ता 3.5 लाख घरों तक जाएंगे और मंदिर निर्माण के लिए दान राशि जुटाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्न्यास नवी मुंबई जिला कार्यालय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद, हम
घर घर तक जाने का अभियान है हमारा। हम हर घर तक पहुंचेंगे। हमारे राम सबके राम, ये ध्येय है हमारा। और हर हिंदू धर्म या न मानने वाले भी, सभी के घर तक हम जाने का हमारा प्रयास है। और हर घर तक जाकर हम इसका अभियान, हमारी इच्छा तो यही है कि हम कोई घर नवी मुंबई का नहीं छोड़ेंगे। हम हर घर तक जाएंगे, प्रयास हमारा यही है। पूरे नवी मुंबई जिला में 3.5 लाख परिवारों तक हमने यह अभियान लेके जाना है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां यह अभियान नहीं पहुंचेगा। इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य जो पहला है वो है कि राम मंदिर जो है वो जन जन के घर में पहुंचे और उससे राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो। मकर संक्रांति 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी माघ पूर्णिमा तक यह अभियान चलने वाला है। इस मध्य में पूरे जिला भर में लगभग 2000 कार्यकर्ता हमारे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, जिसमें 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये और उससे अधिक जो जैसा देना चाहे ऐसे कूपन और पावती लेके हम उनके घरों में जाएंगे और मंदिर में उनसे योगदान मांगेंगे। हमारा उद्देश्य राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर का निर्माण करना है। प्रभु राम का मंदिर यह इस राष्ट्र का मंदिर है। प्रभु राम इस राष्ट्र की अस्मिता है और यह मंदिर सिर्फ राष्ट्र नहीं, यह विश्व का मंदिर होगा। जिस प्रभु राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं वो सारे विश्व के लिए एक उदाहरण है। जैसे भगवद गीता के बारे में हम कहते हैं कि भगवद गीता तो पूरे विश्व की फिलॉसफी है, पर हम हिंदुओं ने इसको बस संभल के रखा है और सहज के रखा है। वैसे प्रभु राम ही पूरे जग के पुरुषोत्तम है, सारे जग की मर्यादा है और सारे जग का आशीर्वाद है, पुरुषार्थ का आदर्श है और ये पूरे विश्व इनको मानना चाहिए। बस हम हिंदुओं ने हमने हमारे जीवन में, हमारे मन में और हमारे हृदय में इनका मंदिर बना के सहज के और सजा के रखा है। इसी का प्रतीक कह के हम इस अयोध्या के राम मंदिर को पूरे विश्व में प्रचलित करना चाहते हैं कि ये पूरे विश्व के मानवता का मंदिर है, मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर है। इसलिए यह मंदिर किसी एक व्यक्ति, किसी सरकार के हाथों न हो के और इसके निर्माण कार्य में सभी का सहभाग हो, यही हमारी इच्छा है। इस कार्यालय के उद्घाटन पर पहुंचे बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र गहत ने भी श्री राम मंदिर निर्माण पर खुशी जाहिर की और हर तरह से मदद का भरोसा दिलाते हुए कार्यकर्ताओं से भी सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया। बड़ा आनंद हो रहा है कि इस नवमी में संघ का एक बहुत बड़ा कार्यालय होगा। यहाँ के जो वास्तु वाले हैं खन्ना साहब, मैं उनका खूब खूब आभारी हूँ, क्योंकि हमें RSS का काम करने के लिए एक ऐसा सूटेबल, ऐसा फर्स्ट क्लास एक ऑफिस की रचना हुई, उसका आज उद्घाटन भी हुआ, भूमि पूजन भी हुआ। और यहाँ से पूरे संघ का राम मंदिर का जो निर्माण करना है, उस निर्माण के लिए जो निधि करना है, उसके लिए कुछ जो भी काम करने हैं वो सब यहाँ से हैंडल होंगे, यहाँ से हिलेंगे। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज कि एक हमारे लिए बैठने के लिए एक जगह मिल गई है, जहाँ पे संघ के विचारधारा से हम लोग आगे चलने के लिए हमेशा काम करते हैं और विचारधारा साथ में लेने के लिए, उसके साथ में रहने के लिए एक जगह हमको आज यहाँ से एक बहुत अच्छी जगह मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए